सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्फेरिकल में कॉनकेव मिरर की बात हो रही है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक जो है एक स्फीयर बनाएंगे इस तरह से, ठीक है, क्लियर। और स्फीयर जब बन जाएगा तो मतलब एक सर्कल बनाएंगे। सर्कल बनाने के बाद ये मिड पॉइंट जहाँ पर आप कंपास रखेंगे वो मिड पॉइंट रहेगा उसका, ठीक है। तो उस मतलब सर्कल थोड़ा सही से बनाएंगे, तो उससे आप क्या करेंगे, ये जो मिड पॉइंट होगा ये आपका क्या होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। इससे आप एक लाइन इस तरह से ड्रॉ कर देंगे, ठीक है। अच्छा, ये तो हो गया स्फीयर बनाया आपने, ठीक। अब क्या करेंगे, आप इस पूरे हाफ यहाँ से एक ऐसे लाइन डॉटेड लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है। और डॉटेड लाइन ड्रॉ करने के बाद ये जो हाफ पोर्शन है इसको आप क्या करेंगे, इरेज कर देंगे, ठीक है ना। तो जब ये हाफ पोर्शन आपका इरेज हो जाएगा, ठीक, तो इतना ही बचेगा। इस पे आप क्या करेंगे, इस तरह से पेंट कर देंगे, ऐसे ऐसे आप एक शैडो बना देंगे, ठीक है। तो आपको कुछ इस तरह से आकृति दिखेगी, मैं इसको करके बता देता हूँ। ये कुछ इस तरह से बना हुआ आपको नज़र आएगा, ठीक है, हाफ पोर्शन आपको नज़र आएगा इससे, ठीक है। अब सेंटर आपका यहाँ पर इस तरह से रहेगा, आप इस तरह से सेंटर आप उसका बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मान लीजिए ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ठीक है। तो इसका जब आप आधा करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, फोकस हो जाए। इसको यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये डिस्टेंस मेज़र कर लेंगे स्केल से, और इसका हाफ कर देंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, फोकस हो जाएगा, ठीक है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो जाएगा। अब आपको सबसे पहले जो ऑब्जेक्ट रखना है, ऑब्जेक्ट की पोजीशन फर्स्ट पॉइंट पर उसको कहाँ रखना है, इन्फिनिटी पर रखना है। कहाँ रखना है, इन्फिनिटी पर, ठीक है, ये इन्फिनिटी का साइन है, तो इन्फिनिटी पर रखना है। अब इन्फिनिटी पर जब रखेंगे, अच्छा एक चीज़ और ध्यान रखना है कि जो ऑब्जेक्ट है वो हमेशा कहाँ रहेगा, लेफ़्ट साइड में रहेगा। ऑब्जेक्ट कहाँ रहेगा, लेफ़्ट साइड में। ऑब्जेक्ट हमेशा जो है ऑलवेज लेफ़्ट साइड में रहेगा। तो जब इसको हम कहाँ रखेंगे, जब जो है हम इसको इन्फिनिटी पर रखेंगे, तो इन्फिनिटी पर जब हम इसको रखेंगे तो क्या होगा, जो रेज आएगी वो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आएगी इन्फिनिटी से, और कहाँ टकराएगी, यहाँ टकराएगी, ठीक है। ये आप क्या करेंगे, एक स्ट्रेट लाइन किसके, ये जो भी आप करेंगे स्केल, मतलब आप स्केल लेंगे, कंपास लेंगे, ठीक है ना, डिवाइडर लेंगे, ये सब आप अपने पास रखेंगे, उसके बाद ही बनाएंगे ये ज्योमेट्री की तरह, ठीक है। इसको एक जो है एक लाइन ड्रॉ करेंगे, और फिर इस पॉइंट से लेकर के एक स्केल रखेंगे, और ये फोकस से इस तरह से पास कराएंगे, ठीक है ना, क्लियर है, ठीक। दूसरा चीज़ जो है आप क्या करेंगे, दोबारा जो है इस तरह से आप यहाँ से फिर से रेज यहाँ पर ले जाएंगे तो यहाँ टकराएगा, और उसको फिर से आप फोकस से पास करेंगे इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ पर इस जगह पर आपका क्या है, इमेज बने, जहाँ पर दो लाइनें दो या दो से अधिक रेज जो है वो कट करेंगी वहीं पर आपका इमेज बनेगा। तो आप देखें यहाँ पर एकदम पॉइंट साइज बन रहा है, इमेज का पता नहीं चल रहा है कि इमेज बना भी है कि नहीं बना है, तो इस तरह से आप बना सकते हैं। अब एक चीज़ जो हमने नहीं बताई है उसको हम बताने जा रहे हैं, उसको भी आपको नोट डाउन करना है, ठीक है। तो हमने क्या नहीं बताया है, हमने ये नहीं बताया है जियोमेट्री ऑफ इमेज फॉर्मेशन, ये आप हेडिंग डालेंगे, ठीक है। इसमें तीन पॉइंट लिखेंगे, पहला लिखेंगे कि व्हेन रेज
आर पैरेलल टू द एक्सेस, ठीक है, इट पासेस थ्रू द फोकस आफ्टर स्ट्राइकिंग, ठीक है, स्ट्राइक के बाद ये कहाँ से पास करेगा, फोकस से पास करेगा, ठीक है। नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट पॉइंट हम लिखेंगे नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर टू, इफ रेज पासेस फ्रॉम फोकस इट विल गो पैरेलल, ठीक है, क्लियर। तीसरी ज्योमेट्री, इफ रेज पासेस फ्रॉम सेंटर ऑफ कर्वेचर इट विल बी बैक विथ सेम पाथ, ठीक है। तो ये तीन चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, ठीक, फिर इमेज आपका बनेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे, क्लियर।